बहस जा रहे हैं मोई को स्कूल छोड़ने। मोई जा रही है स्कूल, मोई के स्कूल क्या, मोई के स्कूल भी ओपन हो चुके हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह का टाइम हो रहा है और सुबह के बज रहे हैं 8 और मैं छोड़ने आई हूँ मोई को स्कूल और बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे है जो कि रश है। तो मोई भी जा रही है अपने स्कूल क्योंकि बच्चों के स्कूल रीओपन हो चुके हैं, तो मैं उसको छोड़ने आई थी। तो फ्रेंड्स, सुबह के टाइम सबको ही हड़बड़ रहती है बच्चों को छोड़ के फटाफट से घर जाने की, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रहा है और जैसे ट्रैफिक सा जाम हो रहा है और बच्चे आए जा रहे हैं स्कूल में। तो मैं भी मोई को स्कूल छोड़ के और फटाफट से अपने घर पहुँचना चाहती हूँ क्योंकि घर में सुबह के टाइम बहुत सारा काम होता है, क्योंकि तो उसके बाद से मुझे जाना है मोई को स्कूल से लेने क्योंकि उसका टाइमिंग है जो वो 12:30 की है, तो मुझे उसके लिए जल्दी जल्दी काम करना पड़ता है कि मैं फिर दोबारा से उसको स्कूल जाने ले जाने जा सकूं। फटाफट से कर लेती हूँ मैं यहाँ पे रसोई की सफाई और रसोई की सफाई करने के बाद मैं बनाऊँगी लंच। देखते हैं क्या सब्ज़ी वगैरह जो बनाती हूँ मैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे अपनी रसोई को साफ़ कर लेती हूँ। मैंने स्कूल से आते ही नहा लिया था और नहा के पूजा वगैरह करके और जो मैंने अपना नाश्ता ले लिया था और अब जो कि मैं अपने काम में लगी हुई हूँ। तो फ्रेंड्स, रसोई हमारी साफ़ हो गई है, अब बनाऊंगी मैं खाना और फिर खाना जल्दी जल्दी बना के और मैं फिर लेने जाऊंगी 12 बजे मोही को क्योंकि मोही की छुट्टी जल्दी हो जाती है। तो चलो फ्रेंड्स, बनाते हैं खाना। तो फ्रेंड्स, जो ये आपको आवाज़ आ रही है पीछे से वो है सत्संग की, क्योंकि मैं खाना बनाते हुए अपना सत्संग सुनती रहती हूँ। और मैं आज सब्ज़ी बना रही हूँ आलू मेथी, जिसके लिए मैंने आलू ले लिए हैं और टमाटर प्यूरी बना ली है और ये मैंने डाल दिया है लहसुन अदरक हरी मिर्च मेथी, इसका पेस्ट बना के और मैं इसको भून रही हूँ। और बस उसके बाद मैं ये अपना जो टमाटर सूखे मसाले डाल दूँगी पहले, उसको भी मैं इसके साथ भून लूँगी। और सूखे मसालों में डाल रही हूँ लाल मिर्च, पिसी धनिया, अमचूर और नमक और थोड़ी जरा सी हल्दी। और बस मसाले को भून के और मैं इसमें डाल रही हूँ ये टमाटर की प्यूरी जो मैंने पहले बना रही थी, तो बस ये डाल के और इसको भी इसकी भी ग्रेवी तैयार करके जब ये घी छोड़ेगी तो इसमें मैं डाले हैं मैंने थोड़े से टिंडे 2-3 और आलू कटे हुए, क्योंकि सारे लोग जो है कि वो आलू खाना पसंद नहीं करते। किसी किसी को जैसे डायबिटीज़ वगैरह है तो जैसे वो, तो उसके लिए मैंने इसमें 2-3 टिंडे भी डाल दिए हैं और ये सब्जी बन के बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार हो गई है। और अब मैं कर रही हूँ रूम की सफाई। और मैं आपको बताना भूल गई कि सब्ज़ी को मैंने भून के और पानी डाल के कुकर बंद कर दिया है और वहाँ पे सब्ज़ी हमारी तैयार हो रही है, और तब तक मैं यहाँ पे कर लेती हूँ अपने रूम की सफाई। और सच में जब बच्चे स्कूल चले जाते हैं तो रूम बिल्कुल खाली खाली होता है तो सफाई अच्छे तरीके से हो जाती है। हाँ, थोड़ी सी घर में शांति हो जाती है तो थोड़ा सा मन अजीब सा हो जाता है बच्चों के बगैर, बट ये है कि पता ही है फिर 2-4 घंटे के बाद तो फिर दोबारा से उन्हें यहीं पे आके मस्ती करनी है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर अच्छी तरह से सफाई कर लेती हूँ रूम की। वैसे तो खैर सफाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि जो बच्चे आएंगे तो आते ही फिर से वो अपनी बुक्स उधर ये उधर उधर फैलावा उनको करना ही है, खास करके जो मोही है उसको तो ज़्यादा ही कुछ फैलाने की आदत है तो वो पूरा ही घर फैला देती है। और ये मोही के तो खिलौने इधर उधर बुक्स घूमती रहती हैं और वो बहुत ज़्यादा जो कि कमरे को ख़राब कर देती है।
तो यहाँ पे मैं उठा रही हूँ उसके खिलौने वगैरह। तो फ्रेंड्स ये है मोरी का पर्स। हम दोनों ट्यूशन जाने वाले हो। ऐसे कर, ऐसे ऐसे कर, दोनों हाथों से ऐसे से कर। और इसको मैं लेके आई हूँ ट्यूशन सॉरी स्कूल से, और मैं वो वीडियो बना नहीं पाई, दरअसल मैं भूल गई थी। और ये आते ही इसको टेंशन है कि मुझे ट्यूशन जाना है, तो बेचारी बता रही है कि मुझे शाम को ट्यूशन जाना है। और ये अपनी बुक्स लेके बैठी है, और देखिए इसने कमरे का फिर से क्या हाल बना दिया है, और सारा के बुक्स वगैरह फैला के और बैठ गई है। और आते ही स्कूल से मैंने इसको नहला दिया था, क्योंकि स्कूल में पसीने वगैरह बहुत आते हैं, बच्चे आपस में जैसे पढ़ते करते हैं तो भी, तो इसलिए मैंने इसको आते ही नहला दिया है और कपड़े वगैरह चेंज करके। और अब ये अपना लगी हुई है जो कि खेलने और मस्ती करने में। क्या क्या काम किया आपने दिखाओ। अब इसको मैं बताऊं कौन सी टॉफी है। ये वाली होगी। कल लेओ। अच्छा, और इस पे तो मेरा नाम ही नहीं लिखा हुआ। ये नहीं। और फ्रेंड्स ये है मोही की यूनिफॉर्म जो कि आज मैं स्कूल से लेके आई हूँ। मोही इतने दिन अपने घर के कपड़ों में जाती थी, तो आज फाइनली मैं इसकी यूनिफॉर्म लेके आई हूँ। ये शर्ट है इसकी, ये ट्यूनिक है, ये है इसकी बेल्ट, और ये टाई है, और ये हैं इसके शॉक्स। तो कल से मोही भी यूनिफॉर्म में जाएगी। तो फ्रेंड्स मैं अपनी वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। थैंक यू।